मॉर्निंग स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास। बेटा आज हम करेंगे लेसन 7, अली बाबा एंड 40 थीव्स। अली बाबा और उसके 40 चोर। आपने पोएम सुनी भी होगी इसकी कहानी, स्टोरी सॉरी। 1, फर्स्ट पार्ट है उसका बेटा ये। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ पुअर वुड कटर नेम अली बाबा इन बागदाद। लंबे समय की बात है, देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर। यहाँ एक कौन रहता था? गरीब वुड कटर रहता था, जिसका नाम क्या था? अली बाबा। कहाँ रहता था? बागदाद में। He used to go to forest with his donkey. और वे क्या यूज़ करता था? जंगल में with his donkey to collect firewood. अपनी डोंकी का, गधे का इस्तेमाल करता था कहाँ पे? Firewood को कलेक्ट करने के लिए, लकड़ियों को आग जलाने के लिए। He sold the wood and lived happily with his wife. वो क्या करता था? वह लकड़ियों को बेचता था और अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी के साथ रहता था। His elder brother कैसिम lived nearby. और जो उसका छोटा भाई कैसिम था, वो एक कहाँ रहता था? पास में ही रहता था। He was very rich. और वह क्या था? बहुत अमीर था। His wife did not like Ali Baba and his wife. जो उसकी पत्नी थी, वो अली बाबा और उसकी पत्नी को पसंद नहीं करती थी। One day when Ali Baba was collecting firewood, he heard the sound of hooves. एक दिन जब अली बाबा ने लकड़ियाँ इकट्ठी करी, he heard, वह सुना, किसकी आवाज? हुफ का मतलब होता है घोड़े की खुर, घोड़े के पैर जो होते हैं उनकी आवाज उसने क्या की? सुनी। ही वॉज अफ्रेड, और वह डर गया। ही क्लाइम्ब्ड अ ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया एंड हाइड हिमसेल्फ, और खुद को छुपा लिया। जस्ट देन ही सॉ मैन कमिंग ऑन हॉर्सेस, तब उसने एकदम देखा कि वहां क्या आया, एक घोड़ा आया है। ही काउंटेड देम, उसने काउंट किया, देवर 40, कितने थे? 40 थे, वो 40 थे। मैन गॉट अप फ्रॉम दी हॉर्सेज, जो आदमी थे वो वहाँ से उस घोड़े को छोड़ के क्या करके लेकर आए। दे हैड बैग्स विद दैम, और उनके पास क्या थे? बैग थे कुछ, विच सीम्ड हैवी, जो दिखने में क्या लग रहे थे? बहुत भारी लग रहे थे। दे ऑल पास्ड अंडर द ट्री वर अली बाबा वाज हाइडिंग, वे सब कहाँ पास हो गए? एक पेड़ के नीचे जहाँ अली बाबा छुपा हुआ था। देयर लीडर स्टॉप बिफोर अ बिग रॉक, और जो उनका लीडर था उसने एक बड़ी सी चट्टान के पास पहले ही रुक गया। हैंडसेट, और कहता है ओपन सेमसम, खुल जा सेमसम। सेमसम वाज ए मैजिक वर्ड, सेमसम क्या था? एक मैजिक वर्ड था। द रॉक मूव्ड असाइड, उन्होंने क्या किया? और वो जो चट्टान थी वो क्या होगी? मूव हो गई, हिल गई। द रॉक वाज द डोर ऑफ अ बिग केव, वो जो चट्टान का दरवाजा था वो क्या था? एक बहुत बड़ी गुफा थी। ऑल द मैन एंटर द केव, सारे आदमी जो थे वो उस गुफा में एंटर कर गए। द रॉक came in its former position, और सबने एक former position ले ली। Alibaba did not come down the tree, जो Alibaba था वो उस tree के नीचे से नहीं आया। He waited, उसने वहीं इंतजार किया until the man came back, जब तक सारे आदमी नहीं आ गए। After a long time, लंबे समय के बाद all the men came out, सारे आदमी बाहर आ गए। They had empty bags, उनके बैग क्या थे? खाली थे। And they rode away, और वे चले गए। अली बाबा डिडंट कम डाउन दी ट्री, जो अली बाबा था वो क्या हुआ? पेड़ के नीचे से नहीं आया। ही वेटेड, व्हेन अली बाबा थॉट दैट ऑल वॉज सेम, ही क्लाइम डाउन दी ट्री। व्हेन अली बाबा, जब अली बाबा ने सोचा कि ये सारे सेफ हैं, ही क्लाइम डाउन दी ट्री, कि अब यहाँ कोई भी नहीं है, तब वो उस पेड़ से नीचे उतरा। वेंट बिफोर दी रॉक, और उस चट्टान के पास गया एंड सेड, उस और कहा ओपन सेम सेम, खुल जा सेम सेम, सी सेम। द डोर ओपन, और वो दरवाजा खुल गया। एंड अली बाबा वेंट इन साइड दी गेव, और जो अली बाबा था वो उस गुफा के अंदर गया। द रॉक क्लोज, और क्या होगी? चट्टान बंद हो गई। इट सेल्फ बिहाइंड, ही उसको अंदर लेके, बिहाइंड मतलब छिपके। दे द केव वॉज फुल ऑफ गोल्ड, और जो वो गुफा थी वो किससे पूरी? सोने से, सिल्वर से एंड ज्वेल, इन सब से क्या हुई थी? भरी हुई थी। अली बाबा थॉट, अली बाबा ने सोचा, दीज मैन आर नॉट ऑनेस्ट, यह जो आदमी है वे आदमी जो है वो ईमानदार नहीं है। दे आर थीव्स, वे चोर हैं। द हीप ऑफ गोल्ड इज द रिजल्ट ऑफ रॉबरी, हीप मतलब होता है ढेर और गोल्ड मतलब सोना, रिजल्ट इनाम, रॉबरी चोरी। द हीप ऑफ गोल्ड इज द रिजल्ट ऑफ रॉबरी, जो ये सोने का ढेर है ये किसका परिणाम है? किसका वो है? रॉबरी का, चोरी का। ही सेट, वह कहता है ओपन सेम सेम, खुल जा सेम सेम।
द डोर ओपन, दरवाजा खुल जाता है। अली बाबा केम आउट ऑफ द केम, और जो अली बाबा था वो उस गुफा से बाहर आ जाता है। एंड ब्रॉट हिज डोंकी इन द केम, और उस अपनी डोंकी को भी उस गुफा से ले आता है। ही फिल्ड हिज बैग, और वह अपने बैग भरता है विद गोल्ड, सोने से। पुट द बैग ऑन हिज डोंकी बैग, उसको भरने के बाद वो उस डोंकी को, गधे को वापिस सेट अगेन, और उसको दोबारा से ले आता है। ओपन सेम सेम, खुल जा सेम सेम, द डोर ओपन, दरवाजा खुल जाता है। एंड अली बाबा क्विकली केम आउट ऑफ द केव, और जो अली बाबा होता है वो जल्दी से बाहर आ जाता है। आपको दिख रहा है ना, ये बहुत सारा गोल्ड है यहाँ पे। आगे क्या है, ही कवर्ड द बैग, और वह दरवाजा क्या कर लेते हैं, बैग जो है वो कवर्ड कर लेते हैं विद फायरवुड, लकड़ियों से, ताकि किसी को शक ना हो। ही रीच्ड हिज हाउस एंड नॉक्ड एट द डोर, वह कहाँ पहुँचता है, अपने घर पहुँचता है और डोर को नॉक करता है। हिज वाइफ ओपन द डोर, जो उसकी वाइफ होती है वो उस दरवाजे को खोलती है। अली बाबा शट द डोर, अली बाबा फटाफट से गेट को बंद कर लेता है। एंड पोर द गोल्ड ऑन द ग्राउंड, वो सारा का सारा सोना का बिखेर देता है जमीन पर, ग्राउंड पे। एंड सेट, और कहता है वी आर रिच, अब हम रिच हैं। वी कांट काउंट इट, हमें गिनने की जरूरत नहीं है। वी मस्ट वेट इट, हमें इसको क्या करना चाहिए, वेट तोलना चाहिए। हिज वाइफ सेट, उसकी वाइफ कहती है आई शुड गो टू कैसिम्स हाउस, मैं कैसिम के घर जाऊंगी एंड बोरो हिज स्केल्स, वहां से स्केल लेकर आऊंगी टू वेट द गोल्ड, इस गोल्ड को तोलने के लिए। व्हेन अलीबाबा वाइफ आस्क फॉर स्केल्स, जब अलीबाबा की पत्नी स्केल के लिए पूछती है, कैसिम्स वाइफ सस्पेंडेड, तब कैसिम की जो वाइफ होती है उसको सस्पेंड होता है, मतलब शक होता है। बट इट वॉज दैट पुअर, कि ये तो गरीब है। अलीबाबा वांटेड टू वेट, तो इसको क्यों चाहिए अलीबाबा को। हाइडिंग हर सरप्राइज, वो इस सरप्राइज को क्या करती है, छुपाती है। शी स्टक सम वैक्स एट द बॉटम ऑफ स्केल्स, कुछ क्या करती है, वो कुछ वैक्स लगा देती है किसके, स्केल के नीचे। एंड गेव इट टू अलीबाबा वाइफ, और अलीबाबा की वाइफ को दे देती है। अलीबाबा वेट द गोल्ड, जब उसको गोल्ड को तोलता है। एंड ब्यूरिड इट इन द गोल्ड ग्राउंड, बिखरे हिज वाइफ गेव द स्केल्स बैक, जब वो उसको वापस देने आती है टू कैसिम्स वाइफ विदाउट नोइंग, उसको बिना बताए दैट अ गोल्ड कॉइन हैड स्टक इन द बॉटम ऑफ द स्केल, उसके साथ क्या होता है, वो जो ज्वेलरी होती है वो चिपक जाती है, एक गोल्ड कॉइन चिपक जाता है।